नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 6 अगस्त 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, और आज के इस वीडियो की पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल मैंने आपसे पूछा था, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पूर्वोत्तर राज्य के दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया है। तो अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने क्या किया है, असम राज्य के जो है दूरदर्शन चैनल का शुभारंभ किया है, और इसको वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉन्च किया है। और इस मौके पर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए, और अब इसे लॉन्च किया गया है असम में। तो असम की राजधानी जो है दिसपुर है, मुख्यमंत्री यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल हैं, राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं, विधानसभा सीटें यहाँ 126, लोकसभा सीटें 14 और राज्यसभा सीटें मात्र 7 हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी आज की पहली न्यूज़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार द्वारा कितना अनाज वितरित किया जाएगा। तो ये जो है 201 लाख टन कुल जो है अनाज को वितरित किया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। ये दूसरी बार इसे लॉन्च किया जा रहा है, इसलिए 2 वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्या किया है, अभी 44 लाख टन अनाज अभी उठाया है, और इस योजना के तहत जो है 81 करोड़ जो लाभार्थी हैं उनके बीच जो है 201 लाख टन अनाज जो है वितरित करेगी, ठीक है। और ये जो योजना है कब तक, नवंबर 2020 तक चलेगी। 1 जुलाई से इसको शुरू किया गया है दूसरे चरण को। पहला चरण है इसका कब शुरू किया गया था, इसको मार्च 2020 में शुरू किया गया था लॉकडाउन के समय। और इस योजना के तहत जो है 5 किलोग्राम गेहूँ चावल या चावल और 1 किलोग्राम दाल जो है एक परिवार को एक महीने में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में खेलो इंडिया योजना के सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। तो अभी पहली सामान्य परिषद बैठक की अध्यक्षता की गई है केंद्रीय खेल मंत्री के द्वारा, और इस सामान्य परिषद की बैठक में राज्य सरकारों को प्रेरित किया गया कि आप प्रतिवर्ष जो है राज्य स्तरीय खेलों का आयोजन करें, ताकि जो है गेम्स को बढ़ावा मिले और राष्ट्रीय स्तर पर जो है खिलाड़ी बाहर निकल के आए। और इसमें जो है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के लिए 5 क्षेत्रीय प्रतिभाओं की जो स्काउटिंग समितियों की योजना बनाई जा रही है। और यदि खेलो इंडिया योजना की शुरुआत देखी जाए तो 2018 में हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या है, देश में खेलों को प्रोत्साहित करना है, और इस योजना के जो है 12 घटक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। हाल ही में विश्व स्तरीय थेनजॉल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है। अब ये कहाँ किया गया है, तो इसे किया गया है मिजोरम में, ठीक है। आजकल बहुत सारे निर्माण कार्य जो है पूर्वोत्तर राज्यों में किए जा रहे हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि पिछड़े राज्य रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पे गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना जो है का उद्घाटन किया गया, नाम क्या है, थेनजॉल। तो इससे होगा क्या, इससे जो है टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और भारत में यदि अभी वर्तमान में बात की जाए तो 220 से अधिक जो है गोल्फ कोर्स हैं, उसमें एक और अभी शामिल होने जा रहा है। और भारत के जो पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गोल्फ जो है पर्यटन को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो इस कारण से इसे शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने केंद्र सरकार की त्रिभाषा फॉर्मूला को अस्वीकार कर दिया है। तो अभी तमिलनाडु राज्य ने क्या किया है, इसको अस्वीकार कर दिया है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी आई है केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रस्तावित की गई है, उसमें त्रिभाषा जो फॉर्मूला है उसको अस्वीकार किया है।
और उन्होंने जो अपनी दशकों से चली आ रही जो द्विभाषा नीति है उसको छोड़ने से मना कर दिया है। अब त्रिभाषा फॉर्मूला है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला में तीन भाषाओं का क्रम रहेगा। पहली भाषा होगी कौन सी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। फिर इसके बाद दूसरी भाषा जो है हिंदी भाषी राज्यों में ये जो है भारतीय भाषा होगी, अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी। और जबकि जो गैर हिंदी भाषी राज्य उनमें हिंदी या अंग्रेजी होगी दूसरी भाषा। और तीसरी भाषा जो है हिंदी भाषी राज्यों में अंग्रेजी या आधुनिक भारतीय भाषा, जबकि गैर हिंदी भाषी जो राज्य है उनमें अंग्रेजी या अन्य आधुनिक भाषा होगी। तो ये जो तीसरी भाषा का जो सिस्टम त्रिभाषा स्त्री ये जो सिस्टम है फॉर्मूला है इसको मानने से अभी तमिलनाडु ने मना कर दिया है। हाल ही में द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक का हिंदी संस्करण जारी किया गया है। इस पुस्तक का संपादन किसने किया, तो इस पुस्तक का संपादन किया है परमेश्वरन अय्यर जी ने। और ये जो परमेश्वरन अय्यर हैं ये क्या है, पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। और इन्होंने द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन नामक जो पुस्तक है उसका संपादन किया है। और इस पुस्तक का नाम जो हिंदी में है स्वच्छ भारत क्रांति। ये जो पुस्तक है आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा महिला और बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। और इस पुस्तक में जो है स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के चार प्रमुख स्तंभों, राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्त पोषण, साझेदारी और जो है जन भागीदारी की चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज़ को। निम्नलिखित में से कौन सा देश लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे अभी एक विस्फोट हुआ है अमोनियम नाइट्रेट के कारण, और यहाँ पे जॉर्डन देश जो ऐसा देश है जो कि लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, सीरिया और इसराइल तो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 अगस्त को अभी क्या हुआ है, लेबनान की जो राजधानी है बेरूत वहाँ पे एक भीषण विस्फोट हुआ है जिसमें 70 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और 4,000 से अधिक लोग वहाँ पे घायल पाए गए हैं। और ये विस्फोट जो है लेबनान की राजधानी जो है बेरूत से है उसके बंदरगाह क्षेत्र में हुआ है। और गोदाम में रखे जो विस्फोटक पदार्थ थे उससे इस विस्फोट का कारण माना जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट जो रहा है, ठीक है। और लेबनान की सीमा जो है उत्तर पूर्व में किसको छूती है, सीरिया को, दक्षिण में इसराइल को और पश्चिम में भूमध्य सागर से लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। पाकिस्तान ने हाल ही में एक नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है। इस मैप में भारत के किस हिस्से को पाकिस्तान का क्षेत्र दर्शाया गया है। तो अभी जूनागढ़ ऐसा क्षेत्र है जिसको पाकिस्तान ने अपने मैप में दर्शाया है। और जूनागढ़ जो है गुजरात का तटीय भाग है, तटीय भाग में स्थित है ये। और 1947 में क्या हुआ था, भारत में इसमें शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया था और 1948 में एक जनमत संग्रह के माध्यम से औपचारिक रूप में निर्णय को स्वीकार किया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या किया है, एक विवादित एक नक्शा जारी किया है जिसमें जूनागढ़ को इसमें शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से सेड स्मार्ट नामक एक सेडिंग सिस्टम का विकास किया है। तो ये विकास किया है टैरी के साथ। टैरी क्या है, द एनर्जी रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। इसके साथ इन्होंने क्या किया है, सेड स्मार्ट जो है सिस्टम का शुरुआत किए। सेड स्मार्ट सिस्टम करेगा क्या, ये जो एयर कंडीशनरिंग होती है, एयर कंडीशनिंग और लाइटिंग, इनमें जो लाइट की जो खपत होती है, बिजली की जो खपत होती है, इसको कम करेगा, ठीक है। और इसका उपयोग जो है आवासीय और व्यापारिक वाणिज्यिक रूप से दोनों तरीके से कर किया जा सकेगा, ठीक है। और इसका जो विकास है हैबिटेट मॉडल फॉर एफिशिएंसी एंड कंफर्ट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। किसने किया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने, किसके साथ, टैरी के साथ, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को।
मोहम्मद इरफान अली किस देश के अगले राष्ट्रपति होंगे? तो मोहम्मद इरफान अली जो है वो गयाना देश के अगले राष्ट्रपति होंगे। ये पहले वहाँ के पूर्व आवास मंत्री रहे हैं, और जो विपक्षी पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी है उसके नेता है। और ये किसका स्थान लेंगे? डेविड आर्थर ग्रेंजर का ये स्थान लेंगे। और अभी पीपी जो पार्टी है, पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी, उसने क्या किया है, 65 सीटों में से 33 सीटें जीती हैं। अब वहीं यदि हम बात करें गयाना की, तो राजधानी वहाँ की जॉर्ज टाउन है, राष्ट्रपति वहाँ के मोहम्मद इरफान अली है, और मुद्रा यहाँ की गयानी डॉलर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ को। HDFC बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में शशिधर जगदीशन ये HDFC बैंक के नए CEO बने हैं, और ये 1996 से HDFC बैंक में सेवारत हैं। और ये किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे आदित्य पुरी का। आदित्य पुरी की जगह पर HDFC के जो नए CEO होंगे वो शशिधर जगदीशन होंगे। और यदि बात की जाए HDFC बैंक की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, मुख्यालय इसका है मुंबई में, प्रबंध निदेशक अभी बने हैं, देखिए, शशिधर जगदीशन। और इसकी टैगलाइन क्या है? हम समझे आपकी दुनिया, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। किस राज्य में इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की जाएगी? तो आपके चार ऑप्शन है, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। राज के इस वीडियो की PDF आप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है प्रोग्रेस अकेडमी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।